टोका। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने उन आरोपियों की। चारों ही आरोपियों ने शातिर तरीके से भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर में चारों ही आरोपियों को मार दिया है। मुठभेड़ में मारे गए हैं चारों आरोपी। वेटनरी डॉक्टर के साथ जिस तरह से बर्बरता के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया, उसके बाद से ही पूरे देश में उबाल था कि इन चारों ही आरोपियों को जिंदा जला दिया जाए। और अब ये बड़ी खबर और बेहद ही अहम खबर, चारों ही आरोपी मुठभेड़ में मार दिए गए हैं। इंसाफ मिला है उस बेटी को, जिस तरह से पूरे देश में उबाल था कि वेटनरी डॉक्टर को जिस तरह से बर्बरता के साथ उसको मौत के घाट उतारा गया। यहां तक कि आरोपियों की जो मां थी वो भी यही मांग कर रही थी, इनको जिंदा जला दीजिए। और अब ये खबर कि चारों ही आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस ने मुठभेड़ में एनकाउंटर कर चारों आरोपियों को मौत के घाट उतार दिया है। नेशनल हाईवे 44 के पास ये मुठभेड़ हुई है और ये बड़ी खबर, एक बेहद ही संदेश देने वाली खबर है ये कि जिस तरह से बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और लगातार जो अपराधी हैं वो बेलगाम होकर घूम रहे हैं, लेकिन नहीं, पुलिस ने मुठभेड़ में चारों आरोपियों को मार गिराया दिया है। हैदराबाद गैंगरेप के चारों आरोपी ढेर कर दिए गए हैं। तो हम आपको बताते हैं कि दरअसल पुलिस क्राइम सीन जो रिक्रिएट करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उसके लिए वहां पर गई थी जहां पर ये क्राइम को अंजाम दिया गया था। उसी दौरान इन चारों आरोपियों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुठभेड़ में एनकाउंटर कर इन चारों ही आरोपियों को ढेर कर दिया। तो देखिए मानसिकता आप देखिए, पहले क्राइम को अंजाम दिया और जब पुलिस उस सीन पर ले जाती है, उस जगह पर ले जाकर कोशिश करती है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की, और पुलिस कमिश्नर ने इस मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है कि चारों ही आरोपियों को ढेर कर दिया गया है, क्योंकि ये चारों ही चारों के दरिंदे कहें अब तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इन चारों दरिंदों को पुलिस वहां पर ले जाती है, उस सीन को, उस जो क्राइम सीन था उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही थी ताकि जल्द से जल्द इस मामले में जांच पूरी की जा सके। तो उसी दौरान इन चारों आरोपियों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है इन चारों ही आरोपियों का और मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है इन चारों आरोपियों को। बेंगलोर